लेकिन एक ही चिंता है रामकेश जी को कि बुंदेलखंड में स्वतंत्र जी खेत तक पानी पहुंच जाए और सभी के गले में पानी पहुंच जाए। आज तक साल भर में वो नहीं कहे कि एक ठेका किसी को मिल जाए या एक रुपये के किसी को काम मिल जाए। ईमानदारी के साथ जिस मंत्रालय को हम लोग संभाले हैं, साल भर में आपको विश्वास दिला सकता हूं इस विभाग से हम लोग एक रुपया भी अपने शरीर पर खर्चा नहीं करवाए होंगे। और पूरा केवल एक ही ईमानदारी से मैं तो साल भर से इनको भी देख रहा हूं, केवल एक चिंता रहता है कि खेत तक पानी पहुंच जाए और लोगों के गले तक पानी पहुंच जाए। ऐसे मंत्री बहुत कम मिलते हैं। आपका सौभाग्य है कि इस प्रकार के विधायक और मंत्री आपके पास है। इनकी सरलता भी है, नम्रता भी, विनम्रता है। आपका इसी तरह दुआ रहा तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। हमारे पुष्पन चंदन जी भी बैठे हैं। करोड़ों लोगों के घर का पक्का मकान बना है और शौचालय को मिला है मित्रों, ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये शासन आपका है मित्रों, इसलिए आपका जो मतदान देते हैं कमल पर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। बुंदेलखंड में पानी तरसते थे, हम सिंगापुर गए थे, एक महीना बोली, एक महीना से पूछे क्या स्थिति है पानी का, इंग्लिश में बोला, बोला हम लोग महिलाएं पानी तरसते थे। वो महिला बोली कि जब से हमारे घर में पानी आया है केवल मैं उसी पार्टी को वोट देता हूं क्योंकि मेरे घर में पानी पहुंच गया है। आने वाला समय आपको चम्मच से भोजन, राजकुमारी जी, रामकेश जी भी, पुष्पेन जी भी, हम सब चम्मच से भोजन करवाएंगे। चम्मच का मतलब पूर्ण सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन पांच काम तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे पांच काम? हाथ उठाकर बताओ। पहला काम, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा नहीं मंगाऊंगा और अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। नंबर दो, शाम को जब घर पहुंचूंगा अपने बूढ़े माँ का बाप का पांच मिनट सेवा करूंगा। नंबर तीन, पत्नी बेटी मां को कभी डांटूंगा नहीं और हाथ नहीं उठाऊंगा। नंबर चार, कोई रिक्शा चालक, कोई गरीब मजदूर, ऑटो चालक घर तक हमें छोड़ता है, आठ रुपया मांग रहा है तो दे दो, साथ में भोजन न पूछ सको उस गरीब के लिए चाय पूछ लो। एक बार पूछ लोगे चाय, गाड़ी तो मत दे देना उसको, कभी चाय पूछ सकते हो, भोजन नहीं पूछ सकते हो तो नहीं सही, लेकिन चाय पानी उसको पिला दोगे तो तुम्हें दुआ मिलेगी और दिल से वो दुआ देते हुए चला जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बड़े हो जाओगे, पता नहीं। पांचवा काम, शाम को दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। जब शाम को घर पहुंचना तो दूध पी लेना, बाकी कुछ मत ले लेना। यदि लेना शुरू कर दिया तो लक्ष्मी दरवाजे से चली जाएगी। ये पांच काम तुम कर लेना, बाकी मोदी योगी को छोड़ देना। मैं विश्वास दिलाता हूं तुम चैन से सो, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। विश्वास दिलाता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सीमा के भी और यहां भी पूरी सुरक्षा। आपके खेत की जिम्मेदारी, आपके खलिहान की जिम्मेदारी, आपके घर की जिम्मेदारी, न भूखे सोने देंगे न भूखे मरने देंगे। लाइट सुरक्षा सब आपका होगा, केवल आप कम मोदी योगी को आशीर्वाद देते रहो और मोदी योगी को आशीर्वाद देते रहेंगे, ये राज्य हंसता रहेगा। इसी की चिंता करो, एक बार मोदी योगी को आशीर्वाद दोगे तो ताली बजा के आशीर्वाद दे दो दोनों को। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न